मुझे दरअसल इसकी जगह पे सनक मूवी देखनी थी, बट मैंने सोचा क्यों ना एक एपिसोड देख लेते हैं। और जब इसका पहला एपिसोड देखा तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया, और मैंने सोचा यार इसी को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी स्टार्टिंग में। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा माई नेम वेब सीरीज के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। ये एक साउथ कोरियन वेब सीरीज है। वैसे साउथ कोरिया वाले कमाल कर रहे हैं, थोड़े टाइम पहले स्क्विड गेम निकाली थी, अब ये फिर से माई नेम सीरीज निकाल दी, मतलब माई नेम वेब सीरीज निकाल दी। टोटल इसके अंदर 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 50 मिनट के आसपास है। अब आप सोच लेना कि आपको इस सीरीज को देखना है तो टोटल कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, मतलब 8 को मल्टीप्लाई करवा लो 50 से, तो टोटल मिनट्स निकल गए हैं। खैर खैर मैं थोड़ा पढ़ाने बैठा हूँ। और अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मतलब इस सीरीज की कहानी की चर्चा कर लेते हैं। एक लड़की है जिसका नाम होता है जी वू, शायद यही है मैंने सही से उसका नाम लिया। तो उसके पिता को कोई मार देता है। अब ये अपने पिता के कातिल को ढूंढने के लिए, उसके पीछे क्या कहानी है ये सब चीजें चलती हैं, तो उसके लिए वो अपनी मतलब कि एक गैंग को ज्वाइन कर लेती है। मतलब काफी अच्छी बात है, वो एक गैंग, गुंडों की गैंग को ज्वाइन करती है ताकि अपने पिता के कातिल को ढूंढ पाए। बस मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है यार, क्योंकि इतना ही दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने इसका वो ट्रेलर देखा था या IMDB के ऊपर मैंने पढ़ा था, बस इतना ही बता रखे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला। तो एक जर्नी दिखाई जा रही है, मिस्ट्री है, थ्रिल है, सस्पेंस है, तो ये चीज़ें होने वाली हैं इस सीरीज के अंदर। लव बिल्कुल भी नहीं है, आप सोच रहे हो यार इसके अंदर कोई लव एंगल भी है, वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ लास्ट में जाके थोड़ा बहुत है, लेकिन उसको यार इग्नोर कर सकते हो, मतलब इग्नोर क्या मतलब नाक के बराबर है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो मतलब कुछ भी नहीं है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मतलब मेन मुद्दा ये कि कहानी अच्छी है या कितनी बुरी है या कुछ कमियां हैं कैसी है, इस सब के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, यानी मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बट क्या करूं हो रही है, अब अपने आप होगी। क्योंकि जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था चलो ठीक था, मैं कहानी को समझ रहा था, लेकिन जैसे इसके सेकंड एपिसोड पे पहुंचा, फिर से बता देता हूं मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अपने आप हो रही है, जब इसके सेकंड एपिसोड पे पहुंचा तो वहां पर मैं इसके एंडिंग में क्या होने वाला है मतलब वो सारा जज कर लिया। क्योंकि इसके अंदर जैसा सस्पेंस दिखाया जाना था, यार देखो यार जितनी सिंपल हमारे सामने स्टोरी रखी जाएगी, अब ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने रख दी तो बस वैसा ही होने वाला है, कुछ तो ट्विस्ट होगा यार। अब समझ लो यार मुझे भविष्य दिखने लग गया होगा, तब मैंने समझ लिया कि हाँ यार ये बंदा ना ये कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। और वैसा हुआ भी, मैं बता रहा हूँ सच में वैसा हुआ भी। हाँ कुछ चेंजेस थे लास्ट के अंदर, लेकिन जितना सोचा था, अब ऐसी चीजें इसलिए मैं सोच पाया क्योंकि यार एक तो इतनी सारी मूवीज सीरीज देख रखी हैं, या फिर हमारे बॉलीवुड के अंदर भी ऐसी स्टोरी हमने देख रखी होती है, मतलब जब आप देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ यार इसके अंदर ये जो बात कर रहे हैं या फिर ये जो जा रहे हैं, ये पहले अच्छे थे या बुरे थे, बाद में अच्छे बनते हैं बुरे बनते हैं। देखो मैं जानबूझ के चीजें घुमा रहा हूँ, क्योंकि यार फिर से अगर कोई भी बात मेरे मुंह से ऐसी निकल गई जिससे आपका इंटरेस्ट खराब हो गया या आपको कोई भी स्पॉइलर मिल गया, तो भैया यहाँ पर फिर मुझे सुनने को मिल जाता है कि यार तुम स्पॉइलर दे देते हो, तुम रिव्यू नहीं करते हो, तो थोड़ा सोच समझ के मुझे बोलना पड़ रहा है। स्टोरी की बात करूं तो हाँ थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हाँ इसमें ये होने वाला है, वो हम पता कर पाते हैं। खैर मैं तो पता कर पाया, बट आपका नहीं पता, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतने टाइम से मैं देख रहा हूं शायद उसकी वजह से कर पाया हूं, मतलब छोड़ो उसके ऊपर हम नहीं जाते। तो मुझे स्टोरी फिर भी पसंद आई, शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ कनेक्ट करके रखती है ये स्टोरी। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इस सीरीज के अंदर लगी वो था इसका कैमरा वर्क, खासकर फाइटिंग सीक्वेंस या जो चाकू के साथ जो फाइट कर रहे थे तो वो इतना जबरदस्त लगा, जैसे कैमरा वर्क हो रहा है, उसको घुमाया जा रहा है, इतना बढ़िया इतना शानदार मुझे लगा है वो चीज। फिर उसके बाद इसमें जो करैक्टर दिखाए गए हैं उनको आपस में लिंक किया गया है, फिर जैसे जो पुलिस वाले का दिमाग चलता है, जो एक तरीके का उन्होंने एक पुलिस मतलब जिसमें वो कैप्टन कैप्टन कहते हैं उसका, जिस तरीके से एक मतलब फिर भी सोचना पड़ रहा है, मतलब जिसका जिस तरीके से वो यूज करता है अपने दिमाग को, वो मुझे काफी पसंद आया। या फिर जो विलन है इसके अंदर, उसने जिस तरीके का दिमाग यूज किया भाई साहब, वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये सब चीजें जब देखते हैं, करेक्टर इसके एक दूसरे से लिंक होते हैं, उनकी स्टोरी हमारे सामने दिखाई जाती है, कोई मर रहा है तो उसके पीछे की एक स्टोरी वहां पर दिखती है, तो ये सब चीजें देखकर काफी अच्छा लगा। फिर उसके बाद एक और चीज मुझे अच्छी लगती है, वो इसकी परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस में तो हर एक कलाकार ने छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा है। खैर वो वाली छोटी चीज मैं कैसे बता पाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या जब आप ये मूवी देखोगे तब समझ पाओगे कि हाँ मैं कौन सी छोटी छोटी बातों की बात कर रहा था,
मतलब कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जब दोबारा से अगर इस वीडियो को देखने का मन हो जाए तो खैर पता नहीं क्या ही बोलने जा रहा हूँ, इतना तो स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा हुआ जितना मैं बोल रहा हूँ। तो जो इसके अंदर मेन कलाकार है यानी मेन लीड रोल के अंदर नजर आ रही है जो एक लेडी है जिनका नाम है, मैंने लिखा है सो ही हाँ मैंने सही से नाम लिया हो यार, नाम बड़े ही पेचीदा होते हैं, इनके नाम बोले नहीं जाते। तो इनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है यार, स्टार्टिंग से इनको देखो, स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक इनके चेहरे पे स्माइल, मतलब एक दो सेकंड के लिए कहीं आई होगी, बाकी पूरी सीरीज के अंदर इतनी सीरियस एक कठोर रूप इनका दिखाया जाता है, इनके फेस पे इतना दुख दिखता है कि हाँ यार मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मेरे पिता के गुजर गए हैं, मुझे उनके कातिल को ढूंढना है। इनकी जो ट्रेनिंग दिखाई जाती है वो भाई साहब इतनी बढ़िया हमें लगती है, एक इनके जो फाइटिंग सीक्वेंस हमें अच्छे लगते हैं जिस तरीके से चाकू से ये लड़ती हैं, तो खासकर इनका परफॉर्मेंस तो यार सच में बहुत जबरदस्त लगा है। अब देखो इतना सारा कुछ मैंने अच्छी अच्छी बातें बोल दी हैं, इसकी कहानी के बारे में बात कर ली है, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसके कैमरा वर्क के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं, तो थोड़ी बहुत हम बुराई तो नहीं करेंगे लेकिन जो चीजें पसंद नहीं आई हैं उनके बारे में बात करें। तो देखो स्टार्टिंग के एपिसोड इंटरेस्टिंग है लेकिन जैसे उसके बाद आगे चलते हैं दो एपिसोड मुझे ऐसे लगे जहां पर इंटरेस्ट कम हो जाता है, कुछ एक ऐसे फाइटिंग सीक्वेंस हमें लगते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है यार इसको मान लेते हैं, इसको हम बस डाइजेस्ट कर लेते हैं कि हो रहा है, हमने मान लिया ऐसा भी हो सकता है, तो ये वाली चीज मेरे साथ ऐसा हुआ कि हाँ। और जो स्टोरी हमें देखने को मिलती है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है कि हाँ भाई इसने एकदम यूनिक सा काम करके हमारे सामने रख दिया, ठीक है हमने देख रहे हैं, कनेक्ट है हम इसके साथ एक सिंपल वे में, कहीं पर अप एंड डाउन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता। सस्पेंस इसके लास्ट में चलो वो मैं मान सकता हूँ कि जैसा हमने सोचा होता है, जैसा मैंने सोचा होता है वैसा तो एग्जैक्ट नहीं होता, उसके अंदर ट्विस्ट डाले जाते हैं, लास्ट वाला जो ट्विस्ट इन्होंने डाला है वो मुझे पसंद आया है। खैर एंडिंग उंडिंग के बारे में तो नहीं बात करते हैं क्योंकि फिर छोड़ 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 इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि क्या सरी मतलब सर क्या मैं सर क्या बोल रहा हूँ, क्या ये हिंदी में देखने को मिलेगी? बेशक ये हिंदी में है। और हाँ सची में एक बात और बोल गया बतानी, सच में इसका म्यूजिक जो मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात कर लेनी चाहिए ना, बाद में फिर कहें कि यार म्यूजिक भी तो अच्छा था, हाँ म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा। तो हिंदी में अवेलेबल है, वॉयलेंस है इसके अंदर, एडल्ट सीन नहीं है इसमें, तो वॉयलेंस के आधार पर देख लेना अपना। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 7 out of 10। तो अगर आप लोगों ने इस सीरीज को देख रखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो जाकर देखो, एक अच्छी सीरीज लगी मुझे। काफी टाइम से कोरियन सीरीज में भी देख ही रहा हूं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जब वीडियो बनाएंगे तभी बात करेंगे, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा उस चीज को, मतलब एक वीडियो बननी है उसके ऊपर। तो वो जिस तरीके की सीरीज देख रहे थे, एक लव एंगल वाली जो है उसके अंदर तो प्यार ही प्यार है, तो उससे मैं पक गया था, बोलिए यार इतना ज़्यादा कौन दिखाता है यार, इसके अंदर 8 episode है। सबसे अच्छी बात है कि मतलब कोरियन ड्रामा हम सीरीज देखते हैं तो उसके अंदर 16 16, अब जो जो देख रहा हूँ उसके अंदर तो लगभग शायद 24 episodes है भाई, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे यार वो, और एक एक घंटे के ऊपर से तो 24 घंटे। तो खैर मैं कहाँ जा रहा हूँ, वीडियो पे फोकस करते हैं यहाँ पर। हाँ तो बस जिन्होंने देख रखी तो प्लीज़ कमेंट करना, दोबारा से बोल रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं देखी जाकर देखो, एक थ्रिल है, सस्पेंस है, बढ़िया लगेगी, एक्शन भी बढ़िया है, म्यूजिक भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, तो इतनी सारी बातें एक साथ बोल दी हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।